हाँ, ये 70 साल की उम्र में ये पहली बार मेरे को इतना उत्पन्न दिख रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था ऐसा। मतलब 70 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया आपके खेत ने। ये 2.25 एकड़ आपको 20 लाख रुपए का फायदा देगा। ये 20 लाख रुपए का फायदा देने वाला है ये अंकल जी को 2022 10 दिसंबर का। और इस क्षेत्र में सब लोगों के साचा का कहना क्या है कि 70 साल में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा माल लगा है इस खेत में और इतने फसल आई, इतने पैसे मेरे को मिल रहे, बहुत खुश हूँ मैं। कभी नहीं मेरे जिंदगी में इतने पैसे आए, देखिए कभी इतनी खुशी देखने को नहीं मिली है, नहीं मिली इतना कभी माल खेत में या ऐसी पैदावार कभी नहीं देखने को मिली। बहुत करा मैंने, बहुत करा, पर ऐसा पैदावार कभी नहीं हुआ। और नमस्कार, मैं गुजरात नरेश कृषि केंद्र से हूँ और आज समझ लो कि मैं बामणोद में आया हूँ और आपका समझ लो कि 2.25 एकड़ का प्लाट है सिल्ली का। तो इसमें आपने संपूर्ण ट्रीटमेंट तो गुजरात नरेश कृषि केंद्र की है और जो ट्रीटमेंट आपको दी है सुरेश भाई ने दी सर। तो आज जो आपने हमारी ट्रीटमेंट की जिसमें आपने जीवरस केटा यूज किया है, 111 जीवरस यूज किया है, आपने सुपर पावर स्टार उपयोग किया है, तो सुपर पावर स्टार का जीवरस केटा का रिजल्ट कैसा मिला? ये एकदम 100% रिजल्ट है भाई, बीजी दवा कोई नहीं मारी आज दिन तक, एक पंप नहीं मारा दूसरा एक भी पंप नहीं। आज समझ लो कि 10 दिसंबर 2022 को हम आज ये फील्ड पे है, आज समझ लो ना तो 90% लोगों का प्लाट फेल है, 90% लोगों का प्लाट फेल है और आज ये प्लाट इतना जबरदस्त है। तो ये समझ लो 2.5 एकड़ में कितने लाख की मिर्ची पक्की है? ये तो 12 लाख की पक्की है, 6 लाख की तो बिक गई, अभी 6 लाख का माल तो तैयार है कम्प्लीट, फिर आगे क्या मालूम आगे क्या निकलेगा। अभी जो फोटो है वो ट्रीटमेंट शुरू है, ट्रीटमेंट अभी रुकी नहीं है। मतलब 2.25 एकड़ की मिर्ची 6 लाख की बिक गई है और अभी 6 लाख की लगी इतना माल है और आगे जो लगे मतलब 15 के पार, मतलब 1.5-7.8 लाख का 1 फायदा होने वाला है इस क्षेत्र में। तो सुरेश भाई, आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट दी है जो सुपर पावर स्टार दिया है, जीवरस दिया है, केटा दिया है, 111 जीवरस दिया है, तो आज समझ लो कि आपने जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट दी वहाँ लोग क्या बताते? अभी उनको पूछ लो, यही हाल है सब, जो जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट हुई है वही यही कंडीशन है। और लोग क्या बोलते हैं दवाई के बारे में? दवाई के बारे में तो बहुत खुश है, वो बीसरी दवा मारने की नहीं, यही मारने की ऐसे बोलते हैं। अभी अनुभव हुआ, ये देख देख के अनुभव, बाकी को मालूम नहीं था, बाकी को मालूम नहीं था। ये वो दुकान वाले ना कुछ भी बोलते थे, वैसा वो सिरदापा की दवा, वो उनको लोगों को मालूम नहीं है, वो काम की नहीं है। और फिर बाद में मालूम हुआ तो जो दुकान वाले थे कस्टमर को बताने वाले, वही दुकान वाले यहाँ दवा लेने को आते, गाड़ी ले लेके दुकान वाले दवा लेने आते हैं यहाँ के। क्या ताजुब की बात है, जो आज दुकानदार जो किसानों को मिर्ची देनी चाहिए वो आज किसानों के पास ये गुजरात नरेश कृषि केंद्र की दवाई लेने आते हैं। आते हैं बराबर है, क्योंकि उसको भी पता चल गया है, समझ लो पूरे महाराज को पता चल गया, जहाँ जहाँ अपने ये सुपर पावर स्टार जीवरस केटा 111 गया है वहाँ पे कुछ अलग ही रिजल्ट है। आज भी मिर्ची की साइज जो है सुरेश भाई के हाथ में है, 6 लाख का माल निकलने के बाद आज भी माल दे सके वैसा है, ये समझ लो 7000 ऊपर क्विंटल जा रहा है, हरी में हरी लाल में 7000 के पार जा रही है मिर्ची, 7400 रुपए भी किसी महीने लाल में 8700 बिकी थी, 7700 की। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं, बाहर की एक भी दवाई एक भी दवा नहीं। इसमें फंगीसाइड में नीचे से तो कुछ नहीं, डिलाइट दिया सिर्फ जूरस अपना ट्रिपल वन और डिलाइट भी समझ लो जो दे दिया तो नीचे समझ लो बुरसी का या फंगस का कुछ करने की जरूरत ही नहीं, नहीं। आज समझ लो कि 10 दिसंबर 2022 के दिन ऐसा प्लाट कहाँ पे है वो तो बता, और है तो ये साइज और ये क्वालिटी कहाँ है? तो किसानों के लिए क्या मैसेज है दादा, ये दवाई करनी चाहिए? एकदम 100% का सारी से भाई दवा, एकदम रिजल्ट एकदम फुल है। और आपका नाम? पीताम्बर उपचंद पाटिल, गाँव बामणोद, गाँव बामणोद। और लोग बोलेंगे कि नरेश कृषि केंद्र की दवाई नहीं माननी चाहिए तो क्या बताएंगे आप? नहीं, जो है वो तो बताने वाले है ना, मैं जो सच दिख रहा है ना सबको दिखेगा ना, कोई बोलेगा कि वो दवाई में दम नहीं, ऐसा भी बोलते हैं? नहीं नहीं, बोलने का काम ही नहीं, कोई वो झूठा आदमी होगा वही बताएंगा ऐसा, झूठा होगा वही बताएगा, बाकी कोई नहीं, जो ये तो सच्चाई है, जो है वो सच्चाई सामने है सबके लिए सामने, मेरे पास किसकी दवा का बिल भी नहीं है,
कोई दवाई नहीं मारी, कोई दवाई नहीं मारी। आज समझ लो कि ये बेहतरीन प्लाट तैयार है, 18 लाख तो हम बोल रहे हैं लेकिन 20 के पार जाएगा, क्योंकि इस साल मिर्ची के रेट शानदार रहने वाले हैं। पहले तो उनके दुकान पे जाने की ताकत नहीं थी, नहीं मेरे पास 1 रुपया नहीं था कुछ लेने के लिए। ये सब सुरेश भाई की कृपा है, उसने सब आज दिन तक उधार दिया है, रोप दवाई सब मोटर पानी सब करके दिया है। कैसा से आप करो, मैं बैठा हूँ, मेरे पास भांडवल ही नहीं था, नहीं कुछ नहीं था, इनके दम पे वो आ सब गए। मकान नया बन जाएगा इस साल, हाँ बन गया, नील हो गया, मैं कर्ज में से मुक्त हो गया, हो गए, हाँ मकान बन जाएगा इस साल। और मकान बनाने का है 5-6 लाख।